नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक और रोचक प्रकरण के साथ। बच्चों, आप सभी को गीत, गाने, भजन, कविताएं आदि बहुत पसंद होंगी। तो प्रकरण पर आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक सुंदर से गीत की कुछ पंक्तियाँ। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे होरी बरजोरी रे रसिया, होरी रे होरी बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग तू घोरी रे रसिया, केसर रंग तू घोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में। बच्चों, यह ब्रज भाषा का होली के अवसर पर गाया जाने वाला सुप्रसिद्ध गीत रसिया है। बच्चों, आपने इस तरह के और भी गीत जैसे भोजपुरी में सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, अवधि में बाबा निमिया के पेड़ जिनी काटेऊ, और बुंदेली में देखो सखी वर्षा ऋतु आई आदि, ये सभी गीत अपनी पूर्व की कक्षा कक्षा 3 में ज़रूर सुने होंगे। अपने आसपास गाए जाने वाले इस तरह के गीतों से भी आप जरूर परिचित होंगे। बच्चों, हमारे घरों और गांवों में बहुत से अवसर पर बहुत से गीत गाए जाते हैं। ये गीत अक्सर दल बांध कर गाए जाते हैं। ये गीत हमारी बोली के गीत हैं, इन्हें लोकगीत कहते हैं। लोकगीतों की एक बड़ी और लंबी सांस्कृतिक परंपरा रही है। लोकगीत केवल सामाजिक धरोहर ही नहीं बल्कि लोक जीवन का दर्पण भी है। लोकगीत, जैसा कि लोक शब्द का अर्थ होता है लोक, लोकगीत लोगों के गीत हैं। इन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं अपनाता बल्कि पूरा समाज इन्हें अपनाता है। लोकगीत लोगों के द्वारा रचित, लोगों को समर्पित और लोगों में प्रचलित गीत हैं। बच्चों, हमारा आज का पाठ लोकगीतों पर ही आधारित है। हमारा आज का पाठ हमारी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मंजरिका अध्याय संख्या 14 है। पाठ का शीर्षक है लोकगीत। पाठ के लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने प्राचीन भारत के तथ्यों और भारतीय संस्कृति का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। इन्होंने बहुत से संस्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की है। इनका गद्य भावुकतापूर्ण एवं आलंकारिक है। इनका निधन सन 1982 ईस्वी को हुआ। बच्चों, हमारा आज का पाठ लोकगीतों पर आधारित एक निबंध है। तो पाठ पर आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध दो शब्दों नी और बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार बंधी हुई रचना। विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सर्वाधिक संभव है, क्योंकि निबंधों में विषयक वैविध्य सबसे अधिक होता है। तार्किक और बौद्धिक रचना वाले लेखों को निबंध कहते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से विषयगत अभिव्यक्ति की जाती है। आइए जानते हैं निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, भूमिका, प्रस्तावना या आरंभ, विस्तार और उपसंहार। सबसे पहले भूमिका। भूमिका यह निबंध का प्रथम भाग होता है। भूमिका को विषय का प्रवेश द्वार या परिचय भी कहा जाता है। यह छोटा किंतु सशक्त भाग होता है। भूमिका जितनी रोचक और सुगठित होगी उतना ही पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अब विस्तार।
यह निबंध का मध्य तथा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे निबंध का कलेवर यानी शरीर भी कहा जाता है। निबंध के इस भाग में निबंध के विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इस भाग का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध होना अति आवश्यक है। अब उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें आरंभ से अंत तक का वर्णन, विवरण तथा विवेचन किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह निबंध का सार होता है। निबंध लिखते समय हमें बहुत सी ज़रूरी बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निबंध की भाषा शैली सारगर्भित होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट और सहज होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और वर्तनी की अशुद्धियों को दूर किया जाना चाहिए। अब हमने जाना निबंध किसे कहते हैं, अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में दोनों शास्त्रीय और देशी दोनों प्रकार के संगीतों से अलग होते हैं। इन्हें गाने के लिए किसी साधना की ज़रूरत नहीं होती है। ये सीधे जनमानस के गीत होते हैं, यानी गाँव और नगरों की जनता के गीत होते हैं। इनकी रचना भी अधिकतर ग्रामीण परिवेश के लोगों के द्वारा ही की गई है, जो कि अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते हैं परंतु विलक्षण प्रतिभा के स्वामी ज़रूर होते हैं। इन्हें इनकी रचना में स्त्रियों ने भी विशेष योगदान दिया है, इसलिए हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्याओं की कोई कमी नहीं है। लोकगीत साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि उनमें आपस में कोई मेल नहीं होता है, लेकिन त्योहारों और अवसरों पर ये बड़े ही भले प्रतीत होते हैं। गांवों और नगरों में गाने वालियां भी होती हैं, जिन्हें अवसरों पर गाने के लिए बुला लिया जाता है। कुछ दलीय गायन में आदमी और स्त्रियां दल बांधकर एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। हालांकि पिछले काफ़ी वर्षों में इस तरह के गायन में काफ़ी कमी आई है। लोकगीतों को गाने के लिए कोई बाजों वाजों की आवश्यकता या कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की सहायता से गाया जा सकता है। अधिकतर स्त्रियां इन्हें ढोलक की मदद से गाती हैं और इनके साथ नाच का पुट भी होता है। लोकगीतों के बड़े प्रकार हैं। लोकगीतों का एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, यह है इस देश के आदिवासियों का संगीत। मध्य प्रदेश दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड खांड और आफ मुंट और भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जहां जीवन अभी भी नियमों की जकड़ में न बन सका है और निर्द्वंद यानी मनमौजी रूप से लहराता है। इनके अधिकतर गीत और नृत्य साथ साथ और बड़े बड़े समूहों में गाए जाते हैं। आदमी और औरत एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। जिस तरह से आदिवासियों का संगीत है, उसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों का भी अपना संगीत है। लोकगीत स्थानीय या क्षेत्रीय गीत होते हैं, अलग अलग भाषा, क्षेत्र, बोली और प्रांत के अलग अलग गीत होते हैं। उसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों के भी अपने गीत हैं और किन्नौर, कांगड़ा, गढ़वाल, इनके अपने अपने लोकगीत हैं और इन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग ही नाम पड़ गया है, पहाड़ी संगीत, यानी पहाड़ी क्षेत्रों का पहाड़ी लोकगीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहात में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, इसलिए जानते हैं कुछ प्रांतों के कुछ लोकप्रिय लोकगीत। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सभी मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के पश्चिमी जिलों के लोकप्रिय लोकगीत हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनके गीत बड़े ही मोहक और लोचदार होते हैं। भोजपुरिया में पिछले काफ़ी वर्षों में विदेशिया का खूब प्रचार प्रसार हुआ है।
गाने वालों के अनेक दल इन्हें गाते हैं। विशेषकर बिहार में भोजपुरिया से बढ़कर कोई भी गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अधिकतर इनमें रसिकों की बात रहती है। करुणा और विरह का जो रस बरसता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाउल और भटियाली, ये बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब का माहिया भी इसी प्रकार का गीत है। हीर रांझा सोहनी महिवाल पंजाब में और ढोला मारू राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को महत्व न देकर अपने लोकगीतों के विषय अपने रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं और इन गीतों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। गुजरात का एक दलीय गायन गरबा बहुत अधिक लोकप्रिय है, न केवल गुजरात में बल्कि और प्रांतों में भी ये लोकप्रिय हो चला है। इस दलीय गायन में कुछ स्त्रियां गोला बनाकर, एक विशेष तरह का गोला बनाकर उसमें घूम घूम कर गाती हैं और लकड़ियां बजाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र गरबा करती कुछ महिलाओं का है। वस्तुतः गरबा एक नाच ही है जिसके साथ गीतों को भी सम्मिलित कर लिया गया है, तो गरबा गुजरात में बहुत अधिक लोकप्रिय है। दूसरे बड़े प्रकार के लोकप्रिय गाने हैं आला। ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इन गीतों में आला और उदल की वीरता का बखान किया जाता है। आला और उदल दो बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हैं जिनकी वीरता और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन गीतों का आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना गया है। ये गीत पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों होते हैं। इन गीतों के विषय और छंदों का समय समय पर देहाती कवियों ने अपने लोकगीतों में भी प्रयोग किया है। ये गीत आज भी हमारे गांव में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले अक्सर ढोल के लिए गांव-गांव घूमते रहते हैं। आला गीतों को अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं, इनकी रचना भी अधिकतर वही करती हैं। वैसे इन्हें गाने वाले पुरुषों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनका संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। अब मैंने कहा कि लोकगीत स्थानीय और क्षेत्रीय गीत होते हैं। अलग अलग क्षेत्र, प्रांत, भाषा और बोली के अलग अलग लोकगीत होते हैं, और ऐसे भी गीत हैं जो ऋतुओं पर आधारित हैं और ऋतुओं से संबंधित हैं, जो किसी विशेष ऋतु में ही गाए जाते हैं। ये गीत सभी ऋतुओं में गाए जाते हैं या कुछ केवल एक विशेष ऋतु में ही गाए जाते हैं। सभी स्त्रियां इन्हें उल्लसित होकर गाती हैं, दल बांध कर गाती हैं, और बरसात की कजरी तो इनकी अपनी ही चीज़ है जो कि सुनते ही बन पड़ती है। कजरी बरसात में गाया जाने वाला एक लोकगीत है और इसका विकास अर्ध शास्त्रीय संगीत के रूप में भी किया गया है। इसके अलावा चैता, कजरी, बारहमासा और सावन, जो अभी हमने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकप्रिय गीतों में पढ़े थे, ये सभी ऋतुएं आधारित गीत हैं। जैसे कि चैता, नाम से ही समझ पड़ता है चैता यानी चैत्र माह में गाया जाने वाला गीत। उसी तरह कजरी और सावन सावन के माह में गाए जाने वाले गीत हैं, और बारहमासा साल के 12 महीने गाया जा सकने वाला गीत हैं। तो ऋतुओं के भी अपने गीत होते हैं, जिस तरह क्षेत्र, प्रांत और भाषा और बोली के गीत होते हैं। अब जानते हैं हम अवसरों और त्योहारों के लोकगीत के बारे में। जिस तरह ऋतुओं के अपने गीत होते हैं, उसी तरह अवसरों और त्योहारों के भी अपने गीत हैं। त्योहारों के गीत तो काफ़ी प्राचीन काल से गाए जा रहे हैं। महाकवि तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में इनका हवाला दिया है। त्योहार के गीत जैसे त्योहारों पर नदी में नहाते समय गाए जाने वाले गीत, नहाने जाते समय राह के लोकगीत, जैसे छठ पर्व के गीत, जैसे दिवाली के गीत, जैसे नवरात्रि के गीत, जैसे होली के गीत। होली के अवसर पर ब्रज में रसिया गीत गाया जाता है, जो मैंने आपको पाठ के आरंभ में गाकर सुनाया था। यह भी त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत का एक उदाहरण है। अभी
अभी हमने पढ़ा त्योहारों के गीत, अब जानते हैं हम अवसरों के गीत। बहुत से अवसर हमारे जीवन में, बहुत से अवसर होते हैं और उन पर गाए जाने वाले विशेष गीत होते हैं, जैसे विवाह के गीत, मटकोड़ के गीत। मटकोड़ एक विवाह के समय मिट्टी खोदे जाने की रस्म होती है। मटकोड़ के गीत, जोनार के गीत, जोनार विवाह के समय खाना खाने की रस्म होती है तो उसके गीत, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के गीत और जन्मदिवस पर गाए जाने वाले गीत। इसी तरह सोहरा, बन्नी, सहरा, बारहमासा, शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले कुछ लोकगीत के कुछ उदाहरण हैं। सोहर बच्चे के जन्म की खुशी पर गाया जाता है, जबकि बन्ना और सहरा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, और बारहमासा, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, साल के बारह माह गाया जा सकने वाला लोकगीत है। गांव के लोकगीतों के अनंत प्रकार हैं। जहां जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? बच्चों, लोकगीत हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं। लोकगीतों में लोक चेतना, सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है। लोकगीतों में लोगों के हर्ष, विषाद, सुख दुख, आशा और निराशा की अभिव्यक्ति होती है। लोकगीतों में हृदय का इतिहास अभिव्यक्त होता है। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोकगीतों के महत्व को बताते हुए कहा है कि लोकगीतों में फसलें गाती हैं, धरती गाती हैं, नदियां गाती हैं, पर्वत गाते हैं। तो बच्चों, हमें लोकगीतों के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के प्रयास करने चाहिए। लोकगीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बताने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हालांकि कुछ प्रांतीय सरकारों ने भी लोकगीतों के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और इस संबंध में एक विभाग भी चालू किया गया है, जो कि सार्वजनिक अधिवेशनों और पुरस्कार वितरण के माध्यम से लोकगीतों के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे रहा है। चलिए तो बच्चों, अब हमने जाना लोकगीतों के बारे में, लोकगीतों के प्रकारों के बारे में, लोकगीतों के महत्व के बारे में। चलिए बच्चों, अब हमने बहुत सी बातें की लोकगीतों के बारे में, लोकगीतों के प्रकारों के बारे में और लोकगीतों के महत्व के बारे में। चलिए अब जानते हैं कुछ शब्दों के अर्थ, जो शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं और हो सकता है आप उनके अर्थ ना जानते हो, और जब आप यह पाठ पढ़े तो आपको पाठ पढ़ने और समझने में मुश्किल आए। तो चलिए जानते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। पुनरुद्धार। पुनरुद्धार दो शब्दों, पुनः और उद्धार से मिलकर बना है। पुनः का अर्थ होता है दोबारा या फिर से, तो जिसका फिर से उद्धार किया जाए, पुनरुद्धार। ओजस्वी का अर्थ होता है तेजवान। निर्दंत। निर्दंत भी दो शब्दों, निर और दंत से मिलकर बना है। निर का अर्थ होता है रहित और द्वंत रहित, यानी निर्द्वंद मीन्स द्वंत रहित, जो सब तरह से स्वच्छंद हो, और मनमौजी, जिसे मनमौजी भी कह सकते हैं। बारहमासा, जैसा कि मैंने पहले बताया, बारहमासा यानी कि साल के बारह महीने गाया जा सकने वाला एक गीत का प्रकार है, जो कि चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के बारह महीनों का एक गीत है। उसी तरह आह्लाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी, और कर का अर्थ होता है देने वाली या करने वाली, इसलिए आह्लाद कर का अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। सिरजती। सिरज यह शब्द संस्कृत के शब्द सृजन से, सृजन का बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है रचना करना या बनाना। मटकोड़ विवाह के समय मिट्टी खोदने की एक रस्म। जोनार विवाह के समय खाना खाने की रस्म। कंठ गला। उद्दाम निरंकुश, यानी जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ बातें करते हैं भाषा की। भाषा की बात में सबसे पहले संधि। संधि दो शब्दों के मेल, सम और धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मेल, मिलाप या जोड़।
निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग में परिवर्तन होता है। जैसे विद्या और अर्थी दोनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी, जब विद्या का अंतिम अ और अर्थी का आरंभिक अ इतने समीप आ जाएं कि अनिवार्य रूप से संधि की स्थिति बन जाए, तब आ और अ मिलकर आ बनाते हैं और इस तरह विद्या और अर्थी मिलकर विद्यार्थी बनाते हैं। तो संधि क्या है? संधि एक परिवर्तन और विकार है जो कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ है। यानी संधि दो वर्णों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। और परिवर्तन यह भी हो सकता है कि दोनों वर्णों में परिवर्तन हो, और यह भी हो सकता है कि केवल अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो, और यह भी हो सकता है कि केवल आरंभिक वर्ण में ही परिवर्तन हो। चलिए संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस आल्य दोनों मिलकर बनाते हैं विद्यालय। सत प्लस जन सज्जन, यानी त का ज में परिवर्तन, ये क्या है? संधि। उसी तरह उत प्लस चारण उच्चारण, उसी तरह नमः प्लस ते नमस्ते। तो अब आप बच्चों जान गए होंगे संधि किसे कहते हैं। संधि मेल है दो वर्णों का, जिसके परिणाम स्वरूप एक परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। चलिए अब जानते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि यानी कि जो संधि अभी हमारा मेल हुआ था, विच्छेद उसका विघटन या उसको तोड़ना ही संधि विच्छेद है। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत संधि युक्त शब्द को एक से अधिक शब्दों या वर्णों में विभक्त करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि संधि क्या है? संधि युक्त शब्द को संधि से पूर्व की अवस्था में पहुंचाना ही संधि विच्छेद है। जैसे कि हमने पहले देखा कि विद्या और अर्थी ने संधि कर विद्यार्थी बनाया, तो अब विद्यार्थी को विद्या और अर्थी में विभक्त करना, तोड़ना ही संधि विच्छेद है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, उसी तरह विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या और आल्य। सज्जन का संधि विच्छेद है सत और जन। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत और चारण। और नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः प्लस ते। शब्दों का यह विच्छेद पूर्ण रूप से नियमों के अनुकूल होना चाहिए। हम ऐसे ही अपनी मर्जी से शब्दों को विभक्त नहीं कर सकते। जिस तरह से शब्द बनते हैं, उसी तरह हम उनका विभक्तिकरण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे संधि और संधि विच्छेद दोनों को। अब इसी से संबंधित आपके लिए अभ्यास कार्य। पाठ में पुनरुद्धार शब्द आया है, हमने इसका अर्थ भी जाना था, जो दो शब्दों पुनः और उद्धार से मिलकर बना है। इसी आधार पर निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुनः पुनरुद्धार का संधि विच्छेद था पुनः प्लस उद्धार। उसी तरह पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस आवृत्ति। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। उसी तरह पुनर्बोध, पुनरागमन और पुनरुक्ति का संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे। अब भाषा की बात में प्रत्यय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वो शब्द, शब्दांश या अक्षर होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो प्रत्यय क्या है? शब्दांश या अक्षर हैं जो कहां जुड़ते हैं? दूसरे शब्दों के अंत में। जैसे ता, इक, अक्कड़, आस, आउ, ये सभी प्रत्यय हैं और ये दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं या उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। ये केवल दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं या नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। जैसे सफल प्लस ता सफलता, समाज प्लस एक सामाजिक,
भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा प्लस आस मिठास, बिक प्लस आऊ बिकाऊ। देखते हैं प्रत्यय के अन्य उदाहरण और देखते हैं कि किस प्रकार यह दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। ई, इला, आलू, आहट, ईए, वान, मान, वाला, ये सभी प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले हम ई प्रत्यय को देखते हैं। ई प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर, टोप प्लस ई टोपी, कोठर प्लस ई कोठरी, उसी तरह से टोकन प्लस ई टोकनी, ढोलकी मंडली टोकरी पहाड़ी इसके अन्य उदाहरण हैं। अब देखते हैं इला प्रत्यय को। रस प्लस ईला रसीला, चमक प्लस ईला चमकीला, भड़क प्लस ईला भड़कीला, इसी तरह रंगीला सजीला जहरीला इसके अन्य उदाहरण हैं। अब देखते हैं आलू। आलू प्रत्यय के उदाहरण हैं दयालु श्रद्धालु। आहट प्रत्यय युक्त शब्द घबराहट झल्लाहट चिकनाहट, उसी तरह ईए प्रत्यय युक्त शब्द वांछनीय अनुकरणीय भारतीय रमणीय। वान प्रतियुक्त शब्द गुणवान रूपवान बलवान और विद्वान। मान प्रत्ययुक्त शब्द बुद्धिमान शक्तिमान गतिमान और आयुष्मान। और लास्ट वाला प्रत्ययुक्त शब्द डेरे वाला दिल्ली वाला बनारस वाला चाय वाला। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको प्रत्यय क्या होते हैं और इनकी सार्थकता क्या है आप समझ गए होंगे। तो अभी प्रत्यय से संबंधित आपके लिए अभ्यास कार्य। सर्वजन शब्द एक प्रत्यय, सर्वजन शब्द में एक प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नांकित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। सबसे पहले सप्ताह, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक, उसी तरह समाज धर्म मर्म इन सभी के साथ एक लगाकर आप नए शब्दों की रचना स्वयं करेंगे। और अब जानते हैं कि आज अपने पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना निबंध। निबंध किसे कहते हैं? निबंध एक भली प्रकार से बंधी हुई रचना को कहते हैं। निबंध जो शब्दों नी और बंध से मिलकर बना है। उसके बाद हमने जाना लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत लोगों के द्वारा रचित लोगों को समर्पित तथा लोगों में प्रचलित गीत हैं। लोकगीत न केवल समाज की धरोहर हैं बल्कि लोक जीवन का दर्पण भी हैं। इसलिए हमें लोकगीतों के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण और प्रचार प्रसार के प्रयास करने चाहिए। फिर हमने जाना संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जाना प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों आज हमने जो जाना और समझा उसके आधार पर विचार कीजिए कि लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी में कमी आई है, इससे हमें क्या क्षति हो सकती है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और विचार कीजिए कि देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं लेकिन इन सभी का भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। तो बताइए ऐसे और कौन से घटक हैं जो अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। और इसके बाद आपके लिए गृह कार्य, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। बच्चों यह अनुच्छेद आपके पाठ के प्रश्न अभ्यास वाले भाग में दिया गया है, आप इसे वहां से पढ़कर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बना सकते हैं। और अपनी दादी नानी या आसपास की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित कीजिए और उन्हीं से जानकारी लीजिए कि इन्हें किन अवसरों पर गाया जाता है। और अपने शिक्षक की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे एक और रोचक प्रकरण के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ो लिखो और मस्त रहो। धन्यवाद।